नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऑल्ट कॉइंस को लेकर जो कि इस समय मार्केट के अंदर में सही वैल्यू पे हैं, जिस पे अगर आप फोकस करते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे निकाल सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर में। तो आपको पता है कि मार्केट के अंदर में आपको मौका देती, मार्केट आपको बहुत बार मौका देती है कुछ प्रोजेक्ट के अंदर में आपको अंडर वैल्यू में बाइंग बनाना स्टार्ट मतलब कर देना चाहिए। अगर आप कुछ भी यहाँ पे पार्ट वाइज भी एंट्री लेते हो तो भी आप एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो मैं आपको कुछ सजेस्ट कर दूंगा क्योंकि बहुत ऐसी उधर हैं जो कि यहाँ पे डेली में कुछ कॉइन्स फाइंड करते हैं जिसके अंदर में उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जैसे प्रॉफिट बना पाएं। तो ऐसे में अगर आप देखोगे मार्केट्स के अंदर में कॉइन्स बहुत से हैं, डेली नए लिस्ट होते हैं, डेली डीलिस्ट होते हैं, चाहे वो बाइनेंस पे हो जाए या फिर अदर एप्लीकेशन के अंदर में आप देख लो तो कॉइन डेली में लिस्ट होते हैं। तो ऐसे में अच्छे प्रोजेक्ट कौन से हैं जिसके अंदर में संभावनाएं हमें देखने मिल रही हैं या फिर आने वाले दिनों में वो अच्छा काम कर सकता है और उसके अंदर बैकर कहीं ना कहीं अच्छे लोगों का है। तो हर एक चीज़ को आप देख कर ही आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो प्रॉफिट आप अच्छा बना सकते हो। तो आज की वीडियो में हम डिटेल वाइज समझेंगे कुछ प्रोजेक्ट को लेकर जिनके अंदर में अगर हम एंट्री बनाते हैं तो आने वाले दिनों में हमारे लिए कुछ ना कुछ परसेंटेज में प्रॉफिट आप वहाँ से निकाल पाओगे। अब यहाँ पे जो परसेंटेज में प्रॉफिट रहेगा ये आपका 100% भी हो सकता है और ये उससे ऊपर भी जा सकता है और उससे नीचे भी जा सकता है, डिपेंड करेगा मार्केट के अंदर में किस तरह से यहाँ पे मार्केट मूव करता है। क्योंकि मार्केट अगर 5-10% मूव करता है तो कुछ ऑल्ट कॉइन होते हैं जो कि यहाँ पे 150% 200% भी पंप कर जाते हैं और कुछ ऑल्ट कॉइन यहाँ पे एकदम स्थिर रहते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि जो मार्केट में एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर जो मार्केट के अंदर में डेली में कुछ ना कुछ नया अपडेट ला रहे हैं आपको वैसे ही प्रोजेक्ट के पीछे जाना है क्योंकि वही प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट देगा। क्योंकि यहाँ पे कौन सी अपडेट कौन सी काम कर जाए कब काम कर जाए ये आपको उस पर निर्भर यहाँ पे करती है। इस वजह से आपको हर एक चीज़ को लेकर समझकर ही ट्रेड करनी है। खास करके लॉन्ग टाइम में होल्ड करते हो तो वो बिटकॉइन इथेरियम वगैरह वाला जो होल्ड आप करके रखे हो उसको साइड में कर दीजिए। अब अगर डेली में ट्रेड करना चाहते हैं, आपको एक मंथ के लिए, दो मंथ के लिए, तीन मंथ के लिए कुछ कॉइन्स चाहिए होते हैं तो ऐसे में जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं उन्हीं को आपको चुनकर रखना होगा। तो उसी को लेकर हम डिटेल वाइज समझेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और हमारे टेलीग्राम पे जो मैं नहीं करता आप कर सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई कॉल्स रहती है, अपडेट्स रहते हैं, हिंट रहते हैं, सबसे पहले आपको यहीं पर अपडेट कर दूंगा जिसको यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स कमा सकते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 24 आवर्स के अंदर में आपका जो FTM हो गया, TIA हो गया या फिर BTT हो गया, इनके अंदर में आपको लगभग जो है 6% से लेकर यहाँ पे 2-3% के अंदर में आपको रिवेन्यू देखने को मिल रहा है जो कि डाउन के अंदर में। और अगर हम आपकी बात करें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इनके अंदर में जो डाउनफॉल हुआ है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि लगभग जो है किसमें 3%, किसमें 4% के आसपास आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में हमें यहाँ पे कुछ वैसे प्रोजेक्ट चेक करने हैं जो मार्केट के अंदर में गिरावट के अंदर में हो और उसमें आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिल रही हो। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, पहले नंबर पे हम जो प्रोजेक्ट रखने वाले हैं उस प्रोजेक्ट का नाम आप में से बहुत ऐसे यूज़र हैं जो कि जानते भी हैं और इसको यूज़ भी कर रहे हैं। तो इस कॉइन का नाम है STX। दोस्तों STX क्या है इसको जो लोग जानते हैं वो लोग भी यहाँ पे समझ लीजिए एक बार, और जिन लोगों को नहीं इसके बारे में आइडिया है वो लोग इस चीज़ को समझिए। पहले तो हम एक साल का इसका देखते हैं कि ओवरव्यू क्या है और मार्केट कैप क्या रही है। तो अगर आप इसकी ओवरव्यू चेक करते हो, मार्केट कैप चेक करते हो, $5.29 बिलियन के आसपास की मार्केट कैप इसकी हाई जाकर आई है जो कि 2024 के अंदर में जाकर आई है। और अभी कहाँ पे है 2.23 के आसपास, यानी कि आप 2.25 कह सकते हो बिलियन के आसपास मार्केट कैप है, यानी कि आधी हो चुकी है। जहाँ पे मार्केट कैप इसकी टॉप पे गई थी वहाँ से आधी हो चुकी है, पर फिर भी अगर आप इसको देखोगे तो ये 0.45 सेंट पे यहाँ पे एक साल पहले था, उससे ये बढ़कर $3.67 तक जाकर आया, ऑलमोस्ट $3.50 आप रखिए। और करंटली इसका जो प्राइस चल रहा है $1.50 के आसपास है, यानी कि अपने जो ऑल टाइम हाई पे जैसे यहाँ पे इसने बनाया था मार्केट कैप के अंदर में, बाद में नीचे आ गया था। तो अब यहाँ पे अगर इस चीज़ को लेकर हम समझें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो मार्केट कैप है और इसके अंदर में जो सप्लाई है उस चीज़ को समझिए पहले। तो करंटली मार्केट कैप इसकी 2.25 बिलियन के आसपास है और जिस वजह से इसको जो रैंक मिला है 23 नंबर पर आता है। और लगभग आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इसकी सप्लाई देखने को मिलेगी सर्कुलेशन के अंदर में 1.5 बिलियन के आसपास इसकी जो सप्लाई है क्योंकि सर्कुलेशन में है, जो कि 81.93% के आसपास है जो इस समय मार्केट के अंदर में है। तो टोटल इसकी जो सप्लाई है वो 1.82 बिलियन के आसपास है, जिसमें से लगभग आप कह सकते हो कि यहाँ पे 1.49 बिलियन के आसपास मार्केट में पड़ी है, सर्कुलेशन में पड़ी हुई है। बाकी कुछ इन्होंने लॉक कर रखी है जिसको लोग धीरे धीरे करके लोग आपके लिए अन्य मतलब बाहर निकालते हैं। ऐसे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि इसके अंदर में जो इन्वेस्टर्स हैं, किन किन इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्टमेंट करी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंचर्स में एक यूनियन आती है, फिर एक ब्लॉकचेन आ जाती है, फिर साथ में आपकी डिजिटल करेंसी ग्राउंड आ जाती है, इसके साथ में आपको एक एंजल इन्वेस्टर देखने को मिलता है जो कि नवल के नाम से आप इनको जानते हो कि रविकांत। तो इन्होंने बहुत अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट करी है, जिन जिनके अंदर में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है खास करके उन्होंने अच्छा रिवेन्यू निकाला है। ऐसे में SV एंजल हो जाता है। तो ऐसे अगर आप चेक करोगे तो आपको लगभग 37 यहाँ पे जो है इन्वेस्टर देखने मिल जाएंगे, जिनमें से आपके कुछ एंजल इन्वेस्टर हैं और कुछ यहाँ पे आपकी डायरेक्ट कह सकते हो कि कंपनी से जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जैसे वेंचर वगैरह वगैरह।
तो आपको में से बहुत ऐसे यूजर हैं जो कि जानते होंगे कि एंजल इन्वेस्टर होता है खुद का पैसा लगाता है। जैसे अभी आप नवल की बात करते हो, नवल ने अपने खुद का इन्वेस्टमेंट लगाया होगा तो इसको हम एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। अब यहीं पे अगर आप देखोगे तो जो वेंचर होती है, वेंचर क्या करती है, लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट करती है। फॉर एग्जांपल आपका मेरा आप जितने भी यूजर्स हैं 13, 14, 15 ऐसे जितने भी आप आदमी को जोड़ लीजिए, तो इन जितने भी बंदों का एक साथ अमाउंट बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल इन सबका मिलाकर अगर 1,00,000 रुपये बनता है, तो ये वेंचर जो 1,00,000 रुपये को कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी, कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट करेगी, ये उस पर डिसाइड करते हैं। उसके बाद एक कॉइन में लगाते हैं, तो उस वजह से इनको भी एक अच्छा रिवेन्यू निकलता है और उसमें से कुछ परसेंटेज में लोग हम सभी यूज़र को बांट देते हैं जो लोग वेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर वगैरह होते हैं जो कि यहाँ पे आपके खुद के रिस्क पे और खुद के दम पे वो लोग पैसा लगाते हैं, उसमें खुद की उनकी रिसर्च होती है। तो ऐसे में आप चेक करोगे तो इसमें एंजल इन्वेस्टर भी अच्छा खासा फंड यहाँ पे लगा रखा है। और यहाँ पे इसका मेन रहा कि अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो ये सोल टोन और साथ में TRX ADA STX के साथ यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो मार्केट कैप के अंदर में, क्योंकि ये ब्लॉकचेन कैटेगरी के अंदर में आता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसका ऑल टाइम हाई जो था लगभग 1 अप्रैल को $0.25 तक जाकर आया था, और डाउन की बात करिए तो 32 गुना डाउन से ये उठकर यहाँ तक आया है, जो कि लगभग आप चेक कर सकते हैं 2020 के अंदर में 0.0345 सेंट के आसपास था, जहाँ से पहुँच कर यहाँ तक ये पहुँचा हुआ है। अब यहाँ पे आप एक्टिविटी को लेकर देखोगे तो जेस प्रोटोकॉल के साथ में पॉइंट फार्मिंग करी है। इसके साथ में लिस्टिंग की बात करिए तो बाइनेंस, अपबिट, OKX ऐसे और भी बहुत से एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आपको इसकी लिस्टिंग देखने मिल जाती है। इसके बाद बात रही एक्टिविटी को लेकर, तो आप एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, तो एक्टिविटी भी बराबर इसमें आई है। जैसे आप चेक करोगे तो इन्होंने ट्विटर पर 7 सेप्टेम्बर को पोस्ट करी है, यानी इसी मंथ में पोस्ट यहाँ पे आई हुई है। अब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का मेन यूज़ केस क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या करता है, स्टेक के रिगार्डिंग है। जैसे आप स्टैक्स को देखते हो तो स्टेक इसके अंदर में आता है, और साथ साथ में ये लोग क्या करते हैं, लेयर वन पे काम कर रहे हैं फिलहाल, और साथ साथ में ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन भी प्रोवाइड वगैरह करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ऑन जो इस समय अगर आप देखोगे तो ये उस ऑन प्राइस पे ही चल रहा है जो आपको यहाँ पे बाइंग करनी है। तो आप चाहो तो यहाँ पे इस एवरेज से उठा सकते हो, चाहे थोड़ा और डिप में आपको मिल जाए तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी रहेगी, बट करना है हमें यहाँ पे पार्ट वाइज एंट्री। ऐसा नहीं कि आपने पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया इसी समय, तो ऐसा आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो आपको पार्ट वाइज एंट्री लेनी है थोड़ा सा करके, जैसे जैसे मार्केट के अंदर में आपको सही वैल्यू देखने मिलेगी आप यहाँ से एंट्री यहाँ पे लेना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टैक्स को लेकर जो बेसिक जानकारी वो मैंने आपको कवर कर दी है। अब बात करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर जो कि हमें आने वाले दिनों में एक और प्रॉफिट हमें निकाल कर दे सकता है, तो ये है दोस्तों एल्गो। दोस्तों एल्गो के बारे में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था, एल्गो अच्छा खासा मूव भी करा, बहुत लोगों ने प्रॉफिट बुक करा। अगेन इसका प्राइस गिरा है, जैसे अगर आप चेक करोगे तो इस समय एक साल के अंदर में आप देख सकते हैं कि 0.089 सेंट तक यहाँ पे ये था, जिससे ये बढ़कर 31 सेंट तक जाकर आया था, और करंटली प्राइस चल रहा है 0.12 सेंट के आसपास, तो 12 के 36 होता है और ये 31 तक जाकर आया है, तो ऑलमोस्ट आप 3 गुना के आसपास रखिए। तो वहाँ तक ये प्राइस इसका गया था जहाँ से गिरकर फिलहाल ये 12 सेंट के आसपास आया हुआ है और यहाँ तक उठा हुआ है एक साल के अंदर में। अब मार्केट कैप की बात करिए तो मार्केट कैप इसकी लगभग जो है 13 गुना कम हुई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे। इसकी मार्केट कैप जो 2022 के अंदर में या फिर 2020 के अंदर में आई थी वो यहाँ पे 13 के आसपास थी, उसके बाद इसने रिकवर करते करते यहाँ पे अगेन रिकवर करा था इसी 2024 के अंदर में, जहाँ पे 2 बिलियन से पार चला गया था, और वहाँ से गिरते गिरते करंटली अभी 1 बिलियन के आसपास है। क्योंकि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो जैसे मूव करता है या फिर उसमें मार्केट कैप में फ़र्क पड़ता है, उनसे सारे ऑल्ट कॉइन यहाँ पे इधर से उधर होते हैं। अब प्रोजेक्ट इधर से उधर होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोजेक्ट सही नहीं है या फिर आने वाले दिनों में हमारे काम का नहीं रहेगा। इस चीज़ को बहुत लोग सोचते हैं कि मार्केट में प्रोजेक्ट गिर गया तो हमारे काम का नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा है तो गिरने के बाद भी वो उठेगा। ऐसे में अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट को भी देख सकते हैं, इसमें भी वेंचर्स का पैसा अच्छा खासा लगा, यूनियन सिक्योर वेंचर वगैरह और होगी, ऐसे और बहुत सी वेंचर्स हैं जिन्होंने इसमें फंड्स लगा रखे हैं। क्योंकि मैंने इसको लेकर पहले भी आपको बताया था, मल्टीकॉइन हो गया, DWF हो जाता है, लेमनिस कैप हो गया, इसके साथ में कॉन्टिन्यू कैपिटल हो जाती है, कॉस्मो जाती है, फाउंडेशन कैपिटल हो गया, NSG हो जाती है, ऐसे और बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिनमें से वेंचर्स का नाम भी आता है, साथ में आपका यहाँ पे एंजल इन्वेस्टर का भी नाम आता है। तो दोनों ने मिलकर लगभग 18 इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसमें अच्छी खासी होल्डिंग रखी है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करके रखा हुआ है। तो अभी इन लोगों ने इतना ज़्यादा पैसा लगा रखा है, तो यहाँ पे कोई बंदा बहुत मोटा पैसा यहाँ पे ऐसे नहीं लगाता है, उस चीज़ को अच्छे से पड़ताल करता है तब जाकर इन्वेस्टमेंट करता है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को यूज़ के इसको चेक करोगे तो यहाँ पे करंटली इसका जो मार्केट कैप है वो 1 बिलियन के आसपास है, जिस वजह से इसका रैंक आता है 63 रुपये, और इसकी सर्कुलेशन में सप्लाई है 82.52% के आसपास, जो कि हो जाती है 8.25 बिलियन के आसपास मार्केट में ही है। टोटल सप्लाई इसकी 10 बिलियन के आसपास रखी गई है, और ये लोग क्या करते हैं $51,420 के आसपास के यहाँ पे कुछ कॉइन्स को अनलॉक करते हैं, जो कि यहाँ पर टाइम के साथ यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद अगर आप नीचे आते हो तो आपको यहाँ पे देखने मिलता है इसने ऑल टाइम हाई जो बनाया था $3.50 के आसपास का ऑल टाइम हाई बनाकर आए हैं, जो कि 2019 के अंदर में इन्होंने बनाया था, जब मार्केट कैप मैंने आपको दिखाई थी कि अच्छी खासी मार्केट कैप थी, वहाँ से इसने अच्छी खासी यहाँ पे प्राइस को हिट करा था। करंटली बाइनेंस वगैरह हर एक एक्सचेंज पे आपको मिल जाता है ये,
और साथ में यहाँ पे इसकी अगर एक्टिविटी को लेकर देखा जाए तो आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट अपडेट उन्होंने कॉइनबेस के साथ लर्निंग रिवार्ड्स को लेकर करा है, जिसके अंदर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको और भी इसमें एक्टिविटी देखने मिल जाती है। तो ये दो प्रोजेक्ट हैं जो कि मेरे इस समय आगे हैं, जो कि प्रोजेक्ट भी ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। बाकी आप इनमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार इनको खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आपको बेस्ट लगे और आपको उसमें लगे कि नहीं भी हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए, तो आप पार्ट वाइज एंट्री लेना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो बेसिक जानकारी है वो मैंने आपको शेयर कर दी है, वेंचर के नाम भी मैंने आपको शेयर कर दिए हैं कि वेंचर ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इसके साथ में कोई और अपडेट्स देगी तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगती है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करता आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करता आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर के कॉल्स रहती है, अपडेट्स रहते हैं, हिंट रहते हैं, या फिर कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जो कि मुझे आपको बतानी है, शेयर करना है, मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम बताऊंगा, जिसको यूज़ करके आप ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट्स कमा सकते हैं। तो मेक श्योर टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको यहीं पर डिस्क्रिप्शन मिल जाते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।